हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल सेतु। हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्रॉब्लम क्लास 12 का, और इससे हर एक दिन एक ऑब्जेक्ट एक सब्जेक्टिव रहे या एक ऑब्जेक्टिव, हर एक दिन एक वीडियो अपलोड होगा, निश्चित रूप से देखना है। आज हम लोग शुरू करें मैट्रिक्स एक्सरसाइज है इसका 3.3, हर एक दिन देखना है। हर एक दिन देखने से क्या होगा कि आप मैट्रिक्स बहुत पहले पढ़ लिए होंगे और ये देखने के बाद आपका रिवीजन होते रहेगा, बहुत फायदेमंद होगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 28 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। सपोज करो कि आप एक टाइल्स लेना है जिसका साइज दे दिया 5x4, आप उसको मल्टीप्लाई कर दिए, लिख दिए 20 20, तो वहाँ जाने पे आप मांगिएगा कि 20 स्क्वायर फीट या स्क्वायर सेंटीमीटर जो भी है उसका टाइल्स चाहिए। दुकानदार कंफ्यूज हो जाएगा, वह आपको बोलेगा या तो 5x4 होगा, 4x5 होगा, 20x1 होगा, 1x20 होगा। तो देखिए यहाँ 28 एलिमेंट है, मल्टीप्लिकेशन आता है आपको, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आता है। कभी भी इंटीजर लेना है, फ्रैक्शन नहीं यूज करना है। आप इसको लिख दीजिए 7x4 और सोचिए 4x7 और सोचिए 14x2 और सोचिए 2x14 और सोचिए 21x1 1x28। तो इसका देखिए अगर क्वेश्चन में लिखा होता है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, तो ये 6 हो गया। अगर लिखता हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव तो 6 इसका आंसर होगा। ठीक उसी तरह का क्वेश्चन है कि क्या होगा ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर अगर 13 एलिमेंट्स है तो 13 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 13x1 और 1x13 लिख सकते हैं। अगर पूछा व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर तो 13x1 1x13, अगर पूछा हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो उम्मीद करते हैं ये कंसेप्ट, क्या क्या करना है, अगर टोटल एलिमेंट दिया है 2 का मल्टीप्लिकेशन टेबल टाइप का बना लीजिए, इंटीजर लेना है, फ्रैक्शन बिल्कुल यूज नहीं करना है, जितना मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। देखिए उसमें होता है कभी कभी कि कोई सेट छूट जाए, छूटना नहीं चाहिए, ये दोनों इसका आंसर है। हम लोग स्टार्ट किए हैं इस श्रृंखला में पहले मैट्रिक्स को। मैट्रिक्स आप हो सकता है बहुत पहले पढ़े होंगे, आपका रिवीजन होगा, ज़्यादा टाइम भी इसमें नहीं लगेगा। सब्जेक्टिव साथ साथ ऑब्जेक्टिव, अभी पहले सब्जेक्टिव है फिर सब ऑब्जेक्टिव भी हम लोग देखेंगे। थैंक यू।